नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 NCERT बुक का पार्ट अव्यू की प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो 3.2 का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, इसमें तीन अवयव दे रखे हैं। तीन अवयव हैं, 2, 4, 3, 2, और एक दूसरा बी अवयव है जिसके अवयव हैं 1, 3, -2, 5 एवं तीसरा अवयव सी के अवयव हैं -2, 5, 3 और 4। तो हमको इसमें सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी, तो a प्लस बी इसका मतलब इन दो अवयव का योग। तो दोनों अवयव के लिख लेते हैं, 2, 4, 3, 2 प्लस 1, 3, -2, 5। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ होगा क्या कि इनके संगत अवयव ही जुड़ेंगे। जैसे 2 है तो इसके संग 1 जुड़ेगा, 4 है तो 3 जुड़ेगा, 3 -2 के संग और 2, 5 के संग जुड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, 2+1 और 4+3 और 3+-2 और 2+5। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1, 3, 4, 3, 7। 3 में 2 गया 1, 5, 2, 7। तो ये a प्लस बी आ गया। और सेकंड में करना है, सेकंड में क्वेश्चन है a माइनस बी ज्ञात करना है। तो इसमें a माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं, इसका मतलब पहले a के अवयव में से b के अवयव को घटाना है। तो इसको लिख लेते हैं, a का है 2, 4, 3, 2 -1, 3, -2, 5। तो इनके संगत अवयव का ही घटाना होगा, तो 2 में से 1 घटेगा। इसको लिख देते हैं, 2 -1, 4 -3, 3, और ये माइनस और अवयव भी माइनस में ही है, तो -2 और जगह 2 -5। ठीक है, तो इनको हल कर लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, 4 में 3 गया 1। देखिए 2 माइनस होने के कारण प्लस रहेगा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 2 में 5 गया -3। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तीसरे में 3a-c ज्ञात करना है। थर्ड में 3a-c, तो इसको भी ज्ञात करते हैं, 3a-c, तो इसका क्या होगा, 3 गुना अवयव a का 3 गुना। अब ये है 2, 4, 3, 2 माइनस सी का लिखते हैं, सी अवयव को लिखते हैं, -2, 5, 3, 4। तो पहले इस 3 का इसके प्रत्येक अवयव के संग गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो गुणा कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, 2 × 3, 4 × 3, 3 × 3 और 2 × 3। देखिए प्रत्येक पद में ही इसका 3 का गुणा होगा, -2, 5, 3, 4। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 -2, 5, 3, 4। ठीक ना, तो अब इसमें से प्रत्येक
संगत अव्यय को घटाए देंगे, तो 6 में माइनस 2, ठीक ना। तो इसको यहां लिख देते हैं, यहां से लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये जाएगा 6 और ये माइनस, फिर माइनस अव्यय भी माइनस में है, तो एक माइनस और एक माइनस, ये 2 माइनस हो गया। फिर 12 में 5 गया, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। तो ये देखिए, ये 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। और 12 में 5 गया 7, 9 में 3 गया 6 और 6 में 4 गया 2। तो इस प्रकार ये हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में ए बी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोनों आवयु का गुणनफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए बी। तो पहला आवयु लिखते हैं 2, 4, 3, 2, और ये दूसरा हो जाएगा 1, 3, -2, 5। तो ये हो गया, लिख लिया हमने। अब गुणा करते हैं इसका। देखिए, गुणा दो आवयु का गुणा कैसे होता है, इस पहले आवयु की पहली पंक्ति और दूसरे आवयु की पहला स्तंभ का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक ना। तो इसको लिख देते हैं हम। देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ इनका गुणा होगा, तो 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 -2, ठीक ना। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा हो गया। अब फिर लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करके यहां लिखेंगे, तो 2 3 6 प्लस 4 गुणे 5, ठीक ना। 2 गुणा 3 में और 4 गुणा 5 में, तो यहां लिख लिया, ठीक ना। अब पहले आवयु का दूसरी पंक्ति के संग पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव 3 और पहले स्तंभ का पहला अवयव 1, पहला अवयव, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -2, फिर 3 गुणा 3 में फिर 2 गुणा 5 में करके यहाँ लिख देंगे, तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। तो देखिए, गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 2 1 2, 4 2 8, 3 1 3, 2 2 4, 3 2 6, 5 4 20, 3 3 9 प्लस 5 2 10। तो देखिए, 2 में 8 गया माइनस 6, 3 में 4 गया माइनस 1, 20 प्लस 6 26, 10 9 19। तो देखिए, ये ए बी ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब हमको यहीं पर बी ए भी ज्ञात करते हैं, बी ए। तो इसमें पहले बी आवयु को लिखेंगे, फिर इसके बाद ए आवयु को लिखेंगे, तो इसको भी देखते हैं। बी आवयु क्या है इसमें, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो बी है, बी ये है 1 3 -2 5, और ए ये रहा 2 4 3 2। तो इनका गुणा कर लेंगे, तो इसमें भी यही काम करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 गुणे 2 करेंगे, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, ठीक ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2 हो गया, ठीक ना। 1 का 4 में और 3 का 2 में, तो गुणा करके लिख लिया। अब दूसरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का यहाँ गुणा करके लिख देंगे, तो इसका लिखते हैं -2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे
तीन, और माइनस दो गुणे चार, माइनस दो गुणे चार प्लस पाँच गुणे दो। देखते हैं इसको क्या प्राप्त होता है। एक दुनी दो, तीन त्रिकाई नौ, दो दुनी चार, पाँच तिहाई पंद्रह, चार एकम चार, प्लस तीन दुनी छः, चार दुनी आठ, पाँच दुनी दस। तो इसको हल करते हैं, नौ दो ग्यारह, छः चार दस, पंद्रह में चार गया, पंद्रह में चार गया ग्यारह, और दस में आठ गया दो। तो इस प्रकार पांचवें प्रश्न का भी उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। दो का पहला नोट करते हैं, हल करना है प्रश्न नंबर दो में। तो पहला प्रश्न है, दो आवयव को योग करना है। तो इसमें पहले आवयव के अवयव हैं ए बी माइनस बी ए, और फिर दूसरा आवयव है ए बी और बी ए। तो इनका योग कर लेते हैं। तो इनका योग करेंगे तो संगत अवयव ही जुड़ेंगे। देखिए ए का ए के संग जुड़ेगा, जुड़ेगा ए प्लस ए, और बी का बी के संग ही जुड़ेगा, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, और ए प्लस ए। देखिए इसमें आएगा ए ए टू ए, बी बी टू बी, और ये कैंसिल जाएगा, बी में बी घट गया तो जीरो, और ए ए टू ए। तो इस पहला प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। और दूसरे अवयव में है 2ab, 2bc, माइनस 2ac, माइनस 2ab। तो इनका भी योग कर लेते हैं। इस अवयव का इसके संग योग होगा, तो योग करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक ना, और इसका इसके संग योग करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, और इसका इसके संग योग होगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और इनको इनके संग योग करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का ये सूत्र हो गया। तो इसका क्या सूत्र बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, तो हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाला सूत्र लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, तो इसका होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये माइनस में है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका योग हो गया। तो प्रश्न नंबर दो का तीन, तीन में है माइनस एक, चार माइनस छः, आठ पाँच सोलह, दो आठ पाँच, और इसका योग है बारह सात छः, आठ शून्य पाँच, तीन दो चार। तो इनका योग करना है, माइनस एक चार, माइनस छः आठ पाँच सोलह, दो आठ पाँच, बारह सात छः, आठ शून्य पाँच, तीन दो चार। तो इनका योग कर लेते हैं। देखिए माइनस एक प्लस बारह, ठीक है, इसका इसके संग, और चार प्लस सात, ये माइनस छः के संग प्लस छः, और आठ प्लस आठ, और पाँच प्लस शून्य, ये सोलह प्लस पाँच, ये दो प्लस तीन, ये आठ प्लस
दो और पाँच प्लस चार, तो इनको हल करते हैं। बारह में एक गया ग्यारह, सात चार ग्यारह, एक कट गया, छः में छः गया जीरो, आठ आठ सोलह, पाँच ये सोलह पाँच इक्कीस और तीन दो पाँच, आठ दो दस, पाँच चार नौ, तो ये इसका योग हो गया। इसी प्रकार प्रश्न चार देखते हैं, इसका चौथा भाग क्या चीज़ है, तो प्रश्न चार यहीं लिख देते हैं। इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सेकेंड दूसरे अवयव में है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो इनका योग कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स के संग साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार इसका इसके संग योग करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसका इसके संग तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होती है, ठीक ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए ये क्लास टेन में एक सर्वसमिका थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ठीक ना, इसके कारण ये भी एक हो जाएगा, सभी एक एक हो जाएंगे, ठीक ना, ये सर्वसमिका सब में लग जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये एक, ये एक, ये भी एक, ये भी एक, तो ये आंसर आ गया, सभी सभी अवयव इसके एक एक ही हैं, ठीक ना। इस प्रकार प्रश्न नंबर दो हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन करते हैं, तो प्रश्न नंबर तीन का पहला नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर तीन पहला है गुणा करना है दो अवयवों का, तो ए बी माइनस बी ए ए माइनस बी और बी ए, तो इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा होगा, ठीक ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा होगा, तो ए गुणे ए, ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी, ठीक ना। इसी प्रकार पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ का भी गुणा कर लेते हैं, लिखेंगे ए गुणे माइनस बी, ठीक ना, इसका इसके संग, फिर बी का गुणा ए के संग करेंगे तो बी गुणे ए, ठीक ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो गया, ठीक ना, ए ए, ठीक ना। अब देखिए दूसरी रो, ठीक ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे बी, ठीक ना, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए गुणे ए, तो इसका क्या आएगा, देखिए ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक ना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक ना, दो माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा, बी गुणे बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये देखिए सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा,
तो ये जीरो हो जाएगा, ए कट के जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, तो पहला प्रश्न हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक दो तीन और यहाँ पर दो तीन चार, ऐसे है। ठीक ना, तीन का गुणा करना है, दो तीन चार। देखिए ये स्तंभ आव्यूह है, ठीक ना, इसमें केवल एक स्तंभ है, इसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, इसको बोल इसको और इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें केवल एक पंक्ति है, इसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं या रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तीन का गुणा कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक ना, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक ना, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एक गुणे तीन, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक गुणे चार, इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो फोर्थ थ्री कॉलम। तो लिखेंगे दो गुणे दो, फिर दो गुणे तीन और दो गुणे चार, इसी प्रकार तीन गुणे दो, तीन गुणे तीन और तीन गुणे चार। तो इसका गुणा करके देखिए क्या आया, दो एक्कम दो, तीन एक्कम तीन, चार एक्कम चार, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, तीन त्रिकाई नौ और तीन चौक बारह। तो ये हो गया प्रश्न नंबर दो, ये हल हो गया। अब थर्ड प्रश्न करते हैं। थर्ड इसमें है एक माइनस दो दो तीन, एक दो तीन दो तीन एक, ठीक ना, एक माइनस दो दो तीन, एक दो तीन एक। तीन का गुणा करके देखते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक गुणे एक है ना, इसका गुणा इसमें किया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस माइनस दो गुणे दो, ठीक ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम करेंगे, तो एक गुणे दो प्लस माइनस दो गुणे तीन, तो ये हो गया। फिर इसका इनमें करेंगे, तो एक गुणे तीन प्लस माइनस दो गुणे एक, अब इनका गुणा इन तीनों में करेंगे, तो लिखेंगे दो गुणे एक प्लस तीन गुणे दो और दो गुणे दो प्लस तीन गुणे तीन, फिर दो गुणे तीन प्लस तीन गुणे एक। तो इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा, देखिए एक एक कम एक, दो दुनी चार, वन माइनस फोर और दो एक कम दो प्लस तीन दुनी छः, ये हो गया दो एक कम दो, तीन दुनी छः, दो दुनी चार प्लस नौ, ये तीन एक कम तीन और दो एक कम दो, तीन दुनी छः प्लस तीन एक कम तीन। तो इनको हल करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, एक में चार गया माइनस तीन, दो में छः गया माइनस चार, तीन में दो गया एक, ठीक ना, ये ऊपर का है, और ये छः दो आठ, नौ चार तेरह और छः तीन नौ, तो ये हो गया। दो तीन चार, तीन चार पाँच, चार पाँच छः, और अगले अवयव में है एक माइनस तीन पाँच, शून्य दो चार, तीन शून्य पाँच, ठीक ना, दो तीन तीन चार पाँच। अब इसको हल करते हैं।
देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ कर लिखेंगे 2 × 1, 3 × 0, 4 × 3। तो लिखिए 2 × 1, 3 × 0 और 4 × 3। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। फिर इनका इसमें गुणा कर लेते हैं तो लिखेंगे 2 × 5 प्लस 3 × 4, 4 × 5। फिर इनका गुणा इनमें, फिर इनका, ठीक ना। तो 3 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, सॉरी गलती हो गया, हाँ 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, ठीक ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के संग गुणा करना है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। फिर 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक ना। तो हो जाएगा 4 × 1, 5 × 0, 6 × 3। फिर 4 × 3 करेंगे, 4 × -3, 5 × 2 और 6 × 0। फिर इसका इसके संग गुणा करेंगे तो 4 × 5, 5 × 4 और 6 × 5। करते हैं इसको, देखिए 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 0 = 0, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 4 × 0 = 0, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4, 5 × 0 = 0, 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और ये 0, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 और 5 × 0 = 0, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 6 × 0 = 0। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20। ये हो गया 5 × 3 = 15, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 6 × 5 = 30। तो ये हो जाएगा देखिए 12 × 13 = 14, 15 × 3 = 18 और 18 × 4 = 22, 6 × 6 कट के 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2, ठीक ना। -12 + 10 - 2 और इनको जोड़ लेंगे 20, 30, 40, 42, ठीक ना। और ये जाएगा 5 × 5 = 10, 6 × 16, हासिल 1, 2, 3, 4, 1, 5, 20, 20, 40, 50, 60, 70। तो ये इसका उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, तीसरे का 5वां। तो इसमें लिखा है 2, 1, 3, 2, -1 और 1 और यहाँ दूसरा अवयव में अवयव है 1, 0, 1, -1, 2, 1। तो इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। इसका गुणा इसमें एक काम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 1 प्लस 1 × -1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × 2। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 × 1 प्लस 1 × 1, 2 × 1 प्लस 1 × 1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में गुणा होगा 3 × 1 प्लस 2 × -1। फिर 3 × 0
प्लस दो गुणे दो, तीन गुणे एक प्लस दो गुणे एक। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ के संग गुणा कर लेते हैं, माइनस एक गुणे एक प्लस एक गुणे माइनस एक, ठीक ना। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस एक गुणे शून्य प्लस एक गुणे दो, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस वन इंटू वन प्लस एक गुणे एक। तो देखिए क्या आता है, दो एक कम दो, एक एक कम एक, तीन एक कम तीन, दो एक कम दो, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक दो जीरो जा जीरो प्लस दो एक कम दो, तीन जीरो जा जीरो प्लस दो दुनी चार, ये जीरो हो जाएगा दो एक कम दो, फिर ये जाएगा दो एक कम दो प्लस एक एक कम एक, तीन एक कम तीन प्लस दो एक कम दो, माइनस एक प्लस एक। तो ये आएगा दो में से एक गया एक, तीन में से दो गया एक, एक माइनस एक माइनस एक माइनस दो, ये हो जाएगा दो चार दो, ये हो जाएगा तीन पाँच, एक में एक गया शून्य। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पाँच हो गया। अब प्रश्न नंबर छः को लिखते हैं, इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर छः, तीन माइनस एक तीन, माइनस एक शून्य दो, और ये है दो माइनस तीन एक शून्य तीन एक। ये इस प्रश्न का अंतिम भाग है। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीन गुणे दो, ठीक ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें, माइनस एक गुणे एक प्लस तीन गुणे तीन, फिर इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो तीन गुणे तीन माइनस में है, तीन गुणे माइनस तीन प्लस माइनस एक गुणे शून्य प्लस तीन गुणे एक, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस एक गुणे दो प्लस जीरो गुणे एक प्लस दो गुणे तीन। इसी प्रकार इसका दूसरे स्तंभ में करेंगे, माइनस एक गुणे माइनस तीन प्लस जीरो गुणे जीरो प्लस दो गुणे एक। तो इसको हल कर लेते हैं, तीन दूनी छः, एक एक कम एक, और तीन त्रिकाई नौ, दो एक कम दो, जीरो एक कम जीरो, तीन दूनी छः, तीन त्रिकाई नौ, ये जीरो, और तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन जीरो, दो एक कम दो। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पहले नौ छः पंद्रह, पंद्रह में एक गया चौदह, और छः में दो गया चार, और नौ में तीन गया छः, ठीक ना, माइनस सिक्स, तीन दो पाँच। तो ये हो गया। अब प्रश्न नंबर चार को हल करते हैं, इसमें सत्यापित करना है। तो प्रश्न नंबर चार में तीन अवयव दे रखे हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक दो माइनस तीन, पाँच शून्य दो, एक माइनस एक और एक, फिर बी दिया है, तीन माइनस एक दो, चार दो पाँच, दो शून्य तीन, और सी है, चार एक दो शून्य तीन दो, एक माइनस दो तीन, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, पहले a प्लस बी ज्ञात करना है और b माइनस सी ज्ञात करना है। तो पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी, तो यह है एक दो माइनस तीन, पाँच शून्य दो, एक माइनस एक और
एक प्लस बी, बी में है तीन, माइनस एक दो, चार दो पाँच, दो शून्य तीन, तीन को जोड़ लेते हैं। देखिए एक प्लस तीन कर लेते हैं तो लिख लेते हैं वन प्लस थ्री, और इसको दो माइनस एक और माइनस तीन प्लस दो, पाँच प्लस चार, ठीक ना, चार इस संगत हैं, जीरो प्लस दो और दो प्लस पाँच, एक प्लस दो माइनस एक प्लस शून्य और एक प्लस तीन, तो इसमें क्या आएगा, तीन एक चार, दो में एक गया एक और माइनस वन, पाँच चार नौ, दो पाँच दो सात और दो और एक तीन, एक माइनस वन और तीन एक चार, ठीक ना। अब b माइनस सी ज्ञात करना है, देख लेते हैं, हाँ b माइनस सी ज्ञात करना है, यहाँ लिख लेते हैं b माइनस सी, तो b है तीन माइनस एक दो, चार दो पाँच, दो शून्य तीन, माइनस सी, तो ये चार एक दो शून्य तीन दो एक माइनस दो तीन, तो इसका हो जाएगा संगत अवयव ही माइनस होंगे, तो तीन माइनस चार, तीन में से चार गया, फिर ये माइनस एक ये हो गया दो माइनस दो, दो माइनस दो, चार माइनस शून्य हो जाएगा, ठीक ना, चार माइनस शून्य, दो माइनस तीन और पाँच माइनस दो, पाँच का दो के संग ही घटाएंगे, फिर दो का एक के संग घटाएंगे, दो माइनस एक जीरो माइनस, और ये माइनस टू खुद है तो यहाँ माइनस टू लिख लेंगे, और तीन माइनस तीन, तो इसका क्या प्राप्त हुआ, तीन में से चार गया, माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस दो, ठीक ना, अंक जुड़ जाता है, माइनस का चिन्ह लगता है, दो में दो गया शून्य, चार दो में से तीन गया माइनस एक, पाँच में से तीन दो गया तीन, दो में से एक गया एक, ये दो माइनस है तो प्लस जाएगा, और तीन में तीन गया तो ये शून्य प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये हो गया ए प्लस बी और बी माइनस सी, तो इसमें क्या सत्यापित करना है, इसको लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, देखिए क्या करना है, इसमें a प्लस बी माइनस सी बराबर लाना है a प्लस बी माइनस सी, ए बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको मान रख लेते हैं, ए का ये अभी हुई है, हम दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को एक साथ लिख के चल रहे हैं, ठीक ना, तो ए का मान इसको चाहें तो आप बायां पक्ष अलग से हल कर सकते हैं, दायां पक्ष अलग से हल कर सकते हैं, ठीक ना, तो ए का मान एक दो माइनस तीन पाँच शून्य दो एक माइनस एक और एक प्लस, ये है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी ये वैल्यू आई थी इसलिए हम इसको मिटाए नहीं थे, लिख लेते हैं माइनस एक माइनस दो शून्य चार माइनस एक तीन एक दो शून्य, ठीक ना, बराबर ए प्लस बी का ये मान है तो चार एक माइनस एक नौ दो सात तीन माइनस एक चार, और माइनस सी करना है तो माइनस सी लिख लेते हैं, चार एक दो शून्य तीन दो एक माइनस दो तीन, ठीक ना,
दो आवयवों को इसको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए एक प्लस माइनस वन, ठीक है, दो प्लस माइनस दो, तो दो प्लस माइनस दो, फिर माइनस तीन प्लस जीरो, पाँच प्लस चार, शून्य प्लस माइनस वन, टू प्लस थ्री, वन प्लस वन, माइनस वन प्लस टू, और ये वन प्लस जीरो। फिर इसको भी कर लेते हैं, फोर माइनस फोर, तो चार माइनस चार, एक माइनस एक, और माइनस एक माइनस दो, ठीक ना। फिर नौ माइनस जीरो, दो माइनस तीन, और सात माइनस दो, फिर तीन माइनस एक, माइनस एक माइनस माइनस दो, है ना, माइनस वन माइनस, फिर माइनस है, ठीक ना। चार माइनस तीन, चार माइनस तीन, तो इसको हल करेंगे। देख कितना, एक में एक गया शून्य, दो में दो गया शून्य, ये हो गया माइनस तीन, पाँच चार नौ, ये हो गया माइनस वन, तीन दो पाँच, एक एक दो, दो में एक गया एक, और ये एक, बराबर चार में चार गया शून्य, एक में एक गया शून्य, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन नौ, दो में गया माइनस एक, सात में दो गया पाँच, तीन में एक गया दो, ये हो गया। देखिए दो माइनस है तो प्लस जाएगा, तो माइनस वन प्लस टू, दो में से एक गया, ठीक ना, ये माइनस दो में से एक गया एक, चार में तीन गया एक, तो देखिए दोनों बराबर आना चाहिए, शून्य शून्य माइनस तीन, शून्य शून्य माइनस थ्री, नौ माइनस एक पाँच, नौ माइनस एक पाँच, दो एक एक, दो एक एक, तो इसका मतलब ये हमारा सत्यापित हो गया। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, तो लिखेंगे सत्यापित हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार हल हो गया। अब प्रश्न नंबर पांच हल करते हैं। तो प्रश्न पांच, ए बराबर, देखिए क्या लिखा है, दो बटे तीन, एक पाँच बटे तीन, ये एक बटे तीन, दो बटे तीन, और चार बटे तीन, इसी प्रकार ये है सात बटे तीन, दो और दो बटे तीन, एक आवयव ये हो गया, और बी आवयव में लिखा है दो बटे पाँच, तीन बटे पाँच, और एक, और यहाँ लिखा एक बटे पाँच, दो बटे पाँच, चार बटे पाँच, सात बटे पाँच, छः बटे पाँच, दो बटे पाँच। तो ये ए और बी दो आवयव दिए हैं, इसमें क्या ज्ञात करना है, लिखा है थ्री ए माइनस फाइव बी, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, थ्री ए मतलब तीन गुना ए आवयव, तो लिखते हैं दो बटे तीन, एक पाँच बटे तीन, एक बटे तीन, दो बटे तीन, चार बटे तीन, सात बटे तीन, दो और दो बटे तीन, माइनस पाँच, और बी आवयव लिखते हैं दो बटे पाँच, तीन बटे पाँच, एक, एक बटे पाँच, दो बटे पाँच, चार बटे पाँच, सात बटे पाँच, छः बटे पाँच, दो बटे पाँच। तो इस तीन का इस आवयव के प्रत्येक अवयव के संग गुणा होगा, तो लिख लेते हैं इसको, ये लिखेंगे दो बटे तीन गुणे तीन, एक गुणे तीन, पाँच बटे तीन गुणे तीन, एक बटे तीन गुणे तीन, दो बटे तीन गुणे तीन, चार बटे तीन गुणे तीन, और ये सात बटे तीन गुणे तीन,
दो बटे तीन गुणे तीन, ठीक ना, तो इसको लिख लिए। इसी प्रकार इस पाँच का प्रत्येक अवयव के संग गुणा होगा, तो लिखते हैं 2/5 गुणे 5, 3/5 गुणे 5, 1/5, 1/5 गुणे 5, 2/5 गुणे 5, 4/5 गुणे 5, 7/5 गुणे 5, 6/5 गुणे 5 और 2/5 गुणे 5। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। देखिए ये तीन तीन कैंसिल, दो आया, तीन एक कम तीन, पाँच तीन हो गया, एक हो गया, एक आ गया, दो आ गया, ठीक है, तीन तीन कटते जा रहा है, चार, सात, तीन दूनी छः, ये दो, ठीक ना, माइनस ये पाँच पाँच कट गया, ये पाँच पाँच कट गया, तो ये आया दो, ये हो गया तीन, और ये तो ये दो हो गया, तीन हो गया, पाँच एक कम पाँच, ये पाँच पाँच कट गया, ये पाँच पाँच कट गया, और ये पाँच पाँच कट गया, तो ये आया एक, ये दो, और ये चार, ये पाँच कैंसिल, ये पाँच कैंसिल, ये पाँच कैंसिल, तो ये आया सात, छः, दो। तो अब इसको हल करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहीं लिख देते हैं। देखिए दो में दो गया शून्य, ठीक ना, तीन में तीन गया शून्य, पाँच में पाँच गया शून्य, इसी प्रकार एक में एक, दो में दो, चार में चार, मतलब ये शून्य शून्य आया। इसी प्रकार सात में सात, छः में छः, दो में दो, तो इस प्रकार ये भी शून्य 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 हुआ, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर पाँच हो गया। प्रश्न नंबर छः देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रश्न नंबर छः, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अंदर भी है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए इस कॉस थीटा का प्रत्येक अवयव के संग गुणा होगा, ठीक ना, तो गुणा कर लेते हैं इसको। कॉस थीटा का कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं एक बार, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, फिर इसका बड़ा इसमें भी कर लेंगे, माइनस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा कॉस थीटा। अब साइन का प्रत्येक पद में गुणा कर लेंगे, तो साइन थीटा, ठीक ना, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे अगली बार, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा और साइन थीटा गुणे साइन थीटा, ठीक ना, पहले लिख लिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, दो बार है ये, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब योग करना है, तो प्रत्येक संगत अवयव ही योग होगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, फिर इसका योग उसके संग, लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसको इसके संग योग करेंगे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा,
फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। देखिए ये सर्वसमिका है, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, यहाँ वन लिख लिया। और देखिए सेम चीज़ है, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो गया। इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया, ये इसका मान सब समीकरण है तो ये वन हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 हल हो गया।